हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति फ्रॉम प्रगति प्रोग्रेस क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आर्टिकल्स। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। आर्टिकल्स ए और एन इज यूज विथ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है ना? और आर्टिकल ए और एन हमेशा किस में यूज होता है? जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं और वो जो सिंगुलर हो। अभी यहाँ पे हम समझते हैं आर्टिकल्स ए एन और दी। इंडिफिनिट आर्टिकल्स, ये ए और एन जो होता है वो क्या होता है? इंडिफिनिट आर्टिकल्स। और द क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल्स। यहाँ पे समझते हैं। इट गिव्स अ जनरल आइडिया, नथिंग इज डिफिनिट, यूज बिफोर ए सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल अ डॉक्टर, है ना? तो ये क्या है? ये कोई डेफिनेट आइडिया नहीं दे रहा है, ये ओनली बता रहा है कि डॉक्टर यानी कोई भी डॉक्टर, है ना? तो इसमें अ डॉक्टर। और ये क्या है? डेफिनिट आर्टिकल्स नॉर्मली पॉइंट्स टू सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये पार्टिकुलर पर्सन और थिंग को पॉइंट करता है। जैसे द डॉक्टर, तो सम पार्टिकुलर डॉक्टर की बात होगी, किसी का भी ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर की बात हो रही है, कोई पार्टिकुलर डॉक्टर की बात हो रही है। आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज द डेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज टू इंडिकेट Not any specific object or subject in the sentence, है ना? Sentence में भी इसका use किस तरह से होता है समझिए। The is the only definite articles. The क्या है? Only वो definite articles है। The definite articles is used to indicate a specific object or subject in the sentence. आगे हम sentence में समझते हैं कि कैसे the को हम use करते हैं। आइए समझते हैं। Indefinite articles, a and, है ना? तो ये जो ए है वो सब कॉन्सोनेंट में यूज होता है। जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से बना हुआ है उसमें ए यूज होगा। और एन, एन वॉवेल से, है ना? और उसका साउंड भी वॉवेल का होना चाहिए। द यूज ऑफ ए और एन डिपेंड्स ऑन द बिगनिंग साउंड। उनका बिगनिंग साउंड क्या है उस पे डिपेंड करता है कि हम एन लगाएंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि ओ से स्टार्ट है और उसका साउंड कुछ और आ रहा है तो हम उसमें नहीं लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। और कभी कभी देखते हैं कि एच से स्टार्ट है, उसका भी साउंड अगर ओ आ रहा है तो उसमें हम लगाते हैं। भी आगे समझते हैं। आर्टिकल, यूज ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल। द डेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अ इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट। अ हमेशा जी जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। अभी समझ गए होंगे आप, पहले भी मैंने समझा दिया है। एग्जाम्पल, अ बुक, अ फार्मर, अ यूनिफॉर्म, अ यूनियन, अ वन रुपी नोट। इन सब में हम इन सारे चीजों को हम काउंट कर सकते हैं ना, है ना? और यहाँ पे एक फार्मर की बात हो रही है, एक यूनिफॉर्म का बात हो रहा है। अभी यहाँ पे देखिए कि ये यूनिफॉर्म है, ये यू से बना हुआ है, लेकिन ये यू से है ना, ये वर्ड बिगनिंग, लेकिन इसमें हम अ लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं। तो ए क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसका जो साउंड है उसका, इसका जो प्रोनंसिएशन है उसमें यू का नहीं, यू आ रहा है, यूनिफॉर्म, है ना? लेकिन हम अ के उच्चारण में, जहां पे यू से अ का उच्चारण होगा वहां पे हम एन यूज करेंगे। यहाँ पे समझते हैं। एन इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ अ वॉवेल और अ वॉवेल साउंड। एग्जाम्पल, एन ओनियन, यहाँ पे ओ का हो रहा है ना, ओ का हो रहा है उच्चारण। एन एस, ए हो रहा है तो इसमें हम एन लगाएंगे। एन ऑरेंज, एन एम पी, अभी एम है ये तो एम तो कॉन्सोनेंट है, आप बोलेंगे कि एम है कॉन्सोनेंट, इसमें एन लग रहा है। तो एम का प्रोनंसिएशन सुनिए क्या है, एम एम
ए से स्टार्ट हो रहा है, MP है ना, एन MLA, ये भी एम क्या है, कॉन्सोनेंट से इसका बिगिनिंग हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एन यूज कर रहे हैं। एन क्यों यूज कर रहे हैं, इसका साउंड सुनिए, एन है ना, एम ए आ रहा है ना, बिगिनिंग क्या है इसका, ए, तो इसलिए हम एन MLA, एन आवर, ये भी एच से है इसका बिगिनिंग, लेकिन हम एन यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका साउंड है एच, ए है ना, इसका साउंड क्या है, ए, तो आवर, ये एच था, लेकिन इसमें हमारा साउंड क्या हो रहा है, एच है जो इसमें साइलेंट है, यहां से इसका हो रहा है तो आवर, आ है ना, आवर। अब एन ऑनेस्ट, इसमें भी एच साइलेंट है और इसका प्रोनंसिएशन क्या है, ऑनेस्ट, यानी अ से शुरू हो रहा है, ऑनेस्ट। एन ऑनर, यहाँ भी एच साइलेंट है और इसका प्रोनंसिएशन क्या है, अ, इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे है ना, अ ऑनर, इसलिए हमने इसमें एन लगाया। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स से समझाते हैं आपको। एन एलिगेटर इज अ डेंजरस रेप्टाइल है ना, यहाँ पे कॉन्सोनेंट से शुरू है और यहाँ वॉवेल से शुरू है। ऑलवेज कीप अ डिक्शनरी इन योर बैग, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ही वॉन्ट्स एन एम्प्टी कार्टून फॉर क्राफ्ट एक्टिविटी, दे वेटेड फॉर एन, यहाँ भी ऐसे है ना, तो एन एम्बुलेंस एंड अ डॉक्टर टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट, आई मेट एन इंडियन सिंगर एंड अ यूरोपियन डांसर। अब यहाँ ई से शुरू है यूरोपियन है ना, लेकिन इसका साउंड सुनिए, यू यू आ रहा है ना, इसलिए इसमें अ लगा, यूरोपियन डांसर। ही टुक एन आवर, आवर का मैंने आपको भी समझाया था, एंड अ हाफ, अभी यहाँ पे देखिए इसका आवर आ हो रहा था प्रोनंसिएशन, तो हमने एन लगाया, अब यहाँ पे देखिए एच, हाफ हा हो रहा है, हो हा, तो इसलिए अ है ना, आप बोलेंगे ये भी एच से स्टार्ट है, ये भी एच से स्टार्ट है, लेकिन इसका प्रोनंसिएशन क्या हो रहा है इसको देखना है हमेशा। टू रीच द वेन्यू, सी हैज अ फॉरेन यूनिवर्सिटी डिग्री, सी हैज एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी डिग्री, अमेरिकन भी अ से हो रहा है। प्लीज गिव मी अ 1 रुपीज क्वाइन, दिस इज इंसिडेंट गेव मी एन आइडिया, आई क्या है, आइडिया, आई से हो रहा ना, आ हो रहा है इसका फर्स्ट। अ फनी स्टोरी, हैव यू रीड द स्टोरी ऑफ अ यूनिकॉर्न, अभी यूनिकॉर्न, यू से इसमें कंफ्यूज हो जाते ना कि यू से है तो हम क्या लगाएं, तो यूनिकॉर्न ये भी देखना, यू इसका साउंड क्या हो रहा है, यू। एन ऑग्री, दिस इज ऑल्सो अ मूवी बेस्ड ऑन दिस स्टोरी, ही इज अ ब्रेव सोल्जर, हिज फादर इज एन MLA, अभी यहाँ पर सब हम सेंटेंस में आपको बता दिए। सी इज एन MP, सी इज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। अब ये डेफिनिट आर्टिकल समझते हैं है ना, डेफिनिट आर्टिकल्स, द इट इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग, इट इज यूज वेन द सेम नाउन अपियर्स फॉर द सेकेंड टाइम, एग्जाम्पल दिस इज अ हाउस, द हाउस इज बिग, अभी हम इसमें सेकेंड टाइम यूज किए तब भी इसको द यूज होता है ना। इट इज ऑल्सो यूज बिफोर नेम ऑफ माउंटेन्स, द एम्प्टी एवरेस्ट, रिवर्स द गंगा, ओशन द पैसिफिक, होली बुक्स द बाइबल, द महाभारत, द रामायण, यूनिक थिंग्स द सन, द स्काई, इट इज यूज विथ सुपरलेटिव डिग्रीज, एग्जाम्पल द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, अभी लेटेस्ट डिस्कस यूजेज ऑफ द
इन डिटेल, अभी इसको हम डिटेल में बताते हैं आपको। द इज यूज विथ प्रॉपर नाउन, नदियां गंगा है ना, द गंगा, समुद्र भारतीय महासागर, द इंडियन ओशन, द हिमालय, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ताजमहल, यूनिवर्सल इंडिविजुअल बॉडीज है ना, जैसे सार्वभौमिक जो एकमात्र वस्तु है ना, जैसे सन एक है, द सन, द स्काई, द वर्ल्ड, द स्पेस। द इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, अभी कई देशों संस्थाओं के नाम से पहले भी द यूज होता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। द इज यूज बिफोर कॉमन नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच आर रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर, दीज नाउन्स आर इन प्लुरल फॉर्म, जैसे द रिच, द ओल्ड। द इज यूज बिफोर अ पर्सन्स नेशनैलिटी और रीजन टू विच ही बिलोंग्स, द इंग्लिश, अंग्रेज, द बंगाली है ना, तो इसके आगे भी हम द यूज करेंगे। अब जितने होंगे लैंग्वेज, जितने भी स्टेट, उनके पहले भी हम द लगाएंगे। द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, एग्जाम्पल द बेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द फास्टेस्ट, जितने भी सुपरलेटिव डिग्री आएंगे उनके पहले भी हम द का यूज करेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से हम आपको सेंटेंस में समझाते हैं। आई मेट अ बॉय इन द मार्केट, आई एम ईटिंग अ पियर, आई एम ईटिंग एन एप्पल, ही गेव मी एन ऑनियन, आई वॉन्ट एन अम्ब्रेला, राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। अभी समझ में आ रहा होगा आपको कि हम द का कहाँ पे यूज करते हैं। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।